तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेहतमंद हल्दी की चाय, जिसे पीकर आप अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप कई तरह के बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो इस तरह की सेहतमंद हल्दी की चाय कौन नहीं पीना चाहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है ये हल्दी की चाय। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हल्दी वाली चाय बनाने के लिए हम एक पतीला ले लेंगे, उसमें एक बड़ा कप पानी डाल लेंगे। गैस को कर लेंगे ऑन, पानी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। पानी हो गया है गर्म, इसमें हम डालेंगे करीब 1/4 चम्मच हल्दी, मिक्स कर लेंगे और हल्दी को हम थोड़ा उबलने देंगे। हल्दी हमें यहाँ ज्यादा अमाउंट में नहीं यूज करना है, 1/4 टीस्पून काफी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पानी हमारा उबलने लगा है और हल्दी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा टुकड़ा अदरक, 2 लौंग, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 काली मिर्च के दाने और एक इलायची जिसके मुंह को मैंने खोल दिया है। तो इन सभी चीजों को हम इसमें डाल लेंगे। अदरक को आप चाहे तो थोड़ा सा दरदरा कूट ले। करीब 5 मिनट तक हम इस पानी को उबलने देंगे। तो जब तक कि हमारी चाय बन रही है मैं आपको हल्दी के गुणों के बारे में बता दूं। हल्दी जो है एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है। ग्लोइंग स्किन के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेहरे पे लगाकर। कहीं चोट लग जाती है तो आप उसकी जगह पे आप हल्दी लगा सकते हैं। शरीर में थकान हो, जोड़ों में दर्द हो, उसमें भी आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। दूध में हल्दी मिलाकर पिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इतने सारे गुणों से भरपूर इस हल्दी का यूज आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। और खास कर ये हल्दी वाला चाय अगर आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें इलायची, काली मिर्च, लौंग, अदरक जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। अदरक जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इलायची से इसमें थोड़ी सी अच्छी फ्लेवर आ जाएगी, लौंग और काली मिर्च जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट के काम आएगी। हल्दी जो है वो ब्लड को भी साफ करती है, ब्लड प्यूरिफाई करती है बॉडी का, और अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों में भी हल्दी का बहुत यूज होता है। उसका सेवन कर सकते हैं, कई बड़ी सी बड़ी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं हल्दी का यूज करके। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, हल्दी की चाय टर्मरिक टी, जिसको आप सर्दियों के मौसम में ज्यादातर बनाकर पिए, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। चाय हमारी उबलने लगी है, यहाँ पे अगर आप गुड़ डालना चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं। अगर आपको ये पीने में कड़वा लगे तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, गुड़ ही यूज करें, वरना आप बिना गुड़ का पिए तो ये और भी अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है ये। तो अब हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम चाय को एक सर्विंग कप में छान लेंगे। तो ये लीजिए तैयार हो गई सेहतमंद इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हल्दी की चाय, जिसे पीकर आप अपनी सेहत भी बनाएं और साथ ही साथ अपने कई तरह के बीमारियों को भी दूर भगाएं। इस चाय को अपनी फैमिली टी में शामिल करें और अपने प्रियजनों को भी पिलाएं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।